सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। किसी दिन तेरी नजरों से दूर हो जाएंगे हम, दूर फिजाओं में कहीं खो जाएंगे हम। मेरी यादों से लिपटकर रोने लगोगे, मेरी यादों से लिपटकर रोने लगोगे, जब जमीन को ओढ़कर सो जाएंगे हम। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, वो चाहे अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन अपने काम के जरिए, अपने प्यार के जरिए, अपने चार्म के जरिए हमेशा हमेशा हमारे बीच में ही रहेंगे। उनकी मुस्कुराहट, उनकी आंखों की चमक पर लड़कियां फिदा हो जाया करती थी। बात कर रही हूं मैं द वेरी हैंडसम विनोद खन्ना जी की। चाहे सिनेमा लवर्स की बात हो या क्रिटिक्स की बात हो, सभी को इम्प्रेस किया हुआ था अपनी परफॉर्मेंस से विनोद खन्ना जी ने। अब मैं क्या बताऊं, आज का ये शो जो है ये एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगी कि हम जैसे फैंस की तरफ से ये प्यार है विनोद खन्ना जी के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शो को उनके बहुत ही पॉपुलर गाने के साथ, जो कि है रुक जाना नहीं, किशोरदा की आवाज़ में। और उसके बाद आपको बताऊंगी कि वैसे तो विनोद जी एक पेशावर फैमिली से थे, लेकिन पार्टीशन के बाद वो इंडिया में आ गए, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्हें एक्टिंग में रुचि आई। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही प्यार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही
रख दे मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ रख दे मगर ये है ख्वाबों ख्यालों की बातें कभी टूट कर चीज कोई जुड़ी है लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है वही आग सीने में फिर जल पड़ी है लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। और आज के इस शो में विनोद खन्ना जी की कुछ ऐसी कहानियां आपको सुना रही हूं जो कि शायद आपने ना सुनी हो। एक ऐसे शख्स जो कि आज हमारे बीच तो नहीं रहे लेकिन उनका काम पूरे की पूरी इंडस्ट्री में आज भी बहुत फेमस माना जाता है। विनोद खन्ना जी, आपको पता है हमारे ये पंजाबी हैंडसम मुंडे जो हैं वो अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर रहे थे और उस वक्त विनोद साहब ने 16 साल और मुगले आज़म देखी थी जिससे उन्हें मोशन पिक्चर से प्यार हो गया था। जैसे ही उनका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ वैसे ही सुनील दत्त साहब ने उन्हें नोटिस कर लिया और उन्हें अपनी एक्टिंग डेब्यू फिल्म दी मन का मीत, लेकिन एज अ विलन। विनोद खन्ना जी उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत एज अ विलन की थी, एक नेगेटिव रोल से। इनफैक्ट विनोद खन्ना जी ही वो एक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड में लव मेकिंग सीन्स का टैबू भी तोड़ दिया था। 1976 की फिल्म शक आई थी जिसमें शबाना आजमी जी भी थी, उस फिल्म को उस टाइम की बोल्डेस्ट फिल्म कहा गया था। विनोद साहब का डेडिकेशन और मिजाज भी बड़ा ही मस्त था। कैसे थे वो अपने साथ के एक्टर्स के साथ बताऊंगी कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गाना लता जी की आवाज़ में।
मेरी मंजिल है तू, मैं हूँ लहर और साहिल है तू, जीवन भर साथ निभाए, जीवन भर साथ निभाए। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा, ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस ये ही दुआ, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। होप आपको वीकेंड क्लासिक का ये एपिसोड पसंद आ रहा है। डू लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम हर एपिसोड को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए, चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए। जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, प्यार 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 प्यार। वाली मेरा वचन न जाए खाली, बच्चा लोग अरे बजाओ ताली।
हंसी कर न सका मेरा सामना, मेरी नजर जादू भरी दिल को थामना, और कोई हंसी कर न सका खाली। कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, छोकरी लो अरे बजाओ ताली। चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। विनोद खन्ना जी के नाम आज का ये शो एक ट्रिब्यूट मेरी तरफ से टू द लेजेंड। एक फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश, जिसकी शूटिंग के एक एक्शन सीन के वक्त धर्मेंद्र जी जब विनोद खन्ना जी को बेल्ट से मार रहे होते हैं तो वो बेल्ट सच में विनोद खन्ना जी को लग गया था और खून निकलने लगा था। उस समय धर्मेंद्र जी आज भी रिकॉल करते हैं कि विनोद खन्ना जी के चेहरे पर वो दर्द दिखाई दे रहा था, लेकिन विनोद खन्ना जी ने उस सीन को कट नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि ये सीन जितना रियल हो सके उतना रियल लगे। वैसे क्या आप जानते हैं उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स कुर्बानी पहले अमिताभ बच्चन जी को मिली थी, लेकिन जब बिग बी ने रिफ्यूज कर दिया तब वो फिल्म खन्ना साहब के पास आई और हुआ यूं कि वो फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, प्लस एक म्यूजिकल हिट भी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अमिताभ बच्चन जी और विनोद खन्ना जी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते थे। इनकी दोस्ती में कभी भी तकरार नहीं आई। सबसे ज्यादा अगर उनकी जोड़ी किसी के साथ चली तो वो अमिताभ बच्चन जी के साथ में ही चली। तो आइए सुनते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से अगला गाना, अमिताभ बच्चन जी और विनोद खन्ना जी के बीच के प्यार के नाम। प्यार बंदगी है,
दिल में तेरी प्यास रहे, तेरे लिए मैं हूँ, तू है मेरे लिए, मेरे लिए प्यार सनम प्यार खुदा, यार कभी हो ना जुदा, यार बिना कोई यहाँ कैसे जिए, कैसे जिए, बाहों में यार के ही दुनिया बहार की है, बाहों में यार के ही दुनिया बहार की है, प्यार बिना क्या जीना, ये भी कोई जिंदगी है, मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार, आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार। से बालों को बोलो ना 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 करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, ना ना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, जानो ना इतना सा कहना है, मानो ना मानो ना, हाँ 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 करता हुआ पर संवरता हुआ मेरा यार, हाँ हाँ
करता हुआ पर संवरता हुआ मेरा यार। इस वीकेंड क्लासिक पर प्ले हो रहे सारे गाने और ऐसे कई और नए और पुराने गाने आप HD ऑडियो क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं sarigama.com से। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बनो गरीबी दूर करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। हो या साला नाचेंगे सब मिलके, जीजा हो या साला। छोरो काले धंधे सफेद काम करो, खाओ पियो दिन को आराम करो। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। तेरी राहों में बारहा रुक कर हमने अपना ही इंतजार किया। अब ना मांगेंगे जिंदगी या रब, अब ना मांगेंगे जिंदगी या रब, ये गुनाह हमने एक बार किया। गुलजार साहब की थी ये पंक्तियाँ। मैं हूँ रुचि आपके साथ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर, और आज का ये शो विनोद खन्ना जी के नाम। 1982 में विनोद खन्ना जी ने फिल्मों से एक ब्रेक ले लिया था, और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब वो अपने पीक पर थे अपने करियर के, तब उन्हें लगा कि ये सब नाम, शोहरत, पैसा, इन सब में कुछ नहीं रखा है। क्या आप जानते हैं, अपने प्राइम करियर को छोड़ करके, अपने करियर के एकदम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में उन्होंने एक ब्रेक ले लिया था, और वो US के ओशो आश्रम में चले गए थे, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद उनका गीतांजलि जी, जो कि उनकी बीवी थी, उनसे डिवोर्स भी हो गया था। 1990 में उन्होंने कविता जी से शादी की, लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने कि विनोद खन्ना जी से सच्चा प्यार किया था। शायद आप नहीं जानते होंगे कि ये कौन सी एक्ट्रेस थी, बताऊंगी आपको इनके बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले परवरिश फिल्म से अगला गाना। अजी ठहरो जरा देखो, कुछ सोचो जरा समझो, अजी ठहरो जरा देखो।
सोचो जरा समझो। हम तो मर जाएंगे लेके तेरा नाम, टूट गया जब दिल तो जीने से क्या काम। हम तो चले जो कहा सुना हो माफ कर देना। ओ जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना, हमको वहाँ ना बुलाना, आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना। अजी सुनिए जरा सुनिए, ऐसे नादा मत बनिए। हम तो कट जाएंगे अब गाड़ी के नीचे, वो आने वाली है दो घंटे के पीछे। ऐसा है तो हाथ लगा कर हमको उठाना। लेते रहिए मौसम है सुहाना, आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना। जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। आंखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। कोई तो गम अपना था, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना।
बीती हुई कुछ यादें तन्हाई दोहराती है रात भर, कोई दिलासा होता कोई तो अपना होता। आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, कौन है वो कैसी है वो तेरे सपनों की रानी। तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, कौन है वो कैसी है वो तेरे सपनों की रानी। रहती है खामोश सदा बस एक पहेली सी वो, हर दम मेरे साथ मगर लगती है अकेली सी वो। एक ही बात में कर जाती है वो कितनी ही बातें, उसकी बातें खत्म ना हो ढल जाए लंबी रातें। कभी कभी लगती है अपनी कभी कभी बेगानी। तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, कौन है वो कैसी है वो तेरे सपनों की रानी। एक शोला सा लपक जाता है, वो छू ले तो आग लगे जल जाए यार ये पानी। तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, कौन है वो कैसी है वो तेरे सपनों की रानी। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। कुछ ही देर पहले आपको बता रही थी कि कैसे अपने करियर के प्राइम पर होने के बावजूद विनोद खन्ना जी ने एक ब्रेक ले लिया था। ब्रेक से वापस आए 1987 में विनोद साहब ने कमबैक किया और 1990 में अमृता सिंह के साथ में एक फिल्म साइन की जो तब क्रिकेटर रवि शास्त्री को डेट कर रही थी। विनोद खन्ना के चार्मिंग लुक्स पर हर कोई ही फिदा था, जिनमें से एक अमृता सिंह भी थी। जेपी दत्ता जी की बटवारा फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब वो पहली बार विनोद साहब से मिली थी। उस दौरान अमृता जी ने काफ़ी चाहा कि विनोद जी उन पर ध्यान दें, पर ऐसा हुआ नहीं। वो बोल्ड और लाउड से पोलाइट और सॉफ्ट स्पोकन रहती थी सेट्स पे, लेकिन फिर भी विनोद जी को ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद जब दूसरी कुछ फिल्मों में भी दोनों ने एक दूसरे के साथ में काम किया तो विनोद जी और अमृता जी के रिश्ते की खबरें उड़ने लगी थी। दोनों के बीच 12 साल का एज गैप था, लेकिन फिर भी प्यार में उम्र कहाँ आई है कभी बीच। प्रॉब्लम्स तब आई जब विनोद जी ने कोशिश की टू टेम द फियर्सली इंडिपेंडेंट अमृता। जल्द ही इनका ब्रेकअप हो गया और उसके बाद उनकी शादी जो कविता जी के साथ में थी वो अच्छी खासी चलती गई। 27 अप्रैल को हमने विनोद खन्ना जी को खो दिया, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपनी फिल्मों की यादों के साथ वो हमेशा हमारे बीच में ही रहेंगे। कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी मैं जाने से पहले विनोद खन्ना जी के नाम। आज हम हैं कल हमारी यादें होंगी, आज हम हैं कल हमारी यादें होंगी, जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। कभी पलटेंगे जिंदगी के ये पन्ने,
कभी पलटेंगे जिंदगी के ये पन्ने तो शायद आपकी आंखों से बरसाते होंगे। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। अगला एपिसोड भी सुनना मत भूलिएगा, जब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मीना कुमारी जी की फिल्म पाकीज़ा को बनने में 16 साल लग गए थे। फिलहाल अगला गाना। सुरमई शाम इस तरह आए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम। फिर भी लगता है तू यही है कहीं, कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तू यही है कहीं, वक्त जाता सुनाई देता है तेरा साया दिखाई देता है, जैसे खुशबू नजर से छू जाए, जैसे खुशबू नजर से छू जाए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, कहे न दिल के पास सदा चुप रहना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, प्यार के दुश्मन को हजारों में पहचाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। अपनों से जब ठेस कोई लग जाती है, अपनों से जब ठेस कोई लग जाती है, हिम्मत अपनी और भी बढ़ जाती है, ये मत भूलो ऐसे ही दीवानों के पैरों में जंजीर भी पड़ जाती है, दीवाने जंजीर से क्या डरना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। Thank you.
पर्दा छुपा ना पाएगा, मुजरिम को पर्दा छुपा ना पाएगा। चिंगारी के खेल में जल जाएगा, जलने वाला आग भी लगा सकता है, फिर तो उसका वार भी चल जाएगा। हम तो जिसका वार उसी पे धरना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। इस वीकेंड क्लासिक पर प्ले हो रहे सारे गाने और ऐसे कई और नए और पुराने गाने आप HD ऑडियो क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं saregama.com से। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है दिल तरसाती है, ये खिड़की खिड़की ये खिड़की ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है दिल तरसाती है, ये खिड़की खिड़की ये खिड़की ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। लगता है मेला ना जाने कहाँ, आशिक जमा होते हैं यहाँ, अरे सबको पता है ये दास्तां, इस घर में है एक लड़की जमा, आंखें झुका के गुजरो इस गली से, आने जाने वालों से कहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। गम की घटा है ये छट जाएगी, आहों से दीवार फट जाएगी, जब सामने से ये हट जाएगी, घूंघट में गोरी सिमट जाएगी, एक रोज खुल जाएगी टूट के ये, कितनी नजरों के तीर सहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, हमें अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए। डू लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड और सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ। खुली नजर क्या खेल दिखेगा दुनिया का, बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। गाओ बच्चों, तुम भी मेरे साथ गाओ। खुली नजर क्या खेल दिखेगा दुनिया का।
बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। अमीर तुम भी गाओ। खुली नजर क्या खेल दिखेगा दुनिया का। बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। इंसानों की बस्ती जो दुनिया कहलाए। आज के इंसानों की बस्ती जो दुनिया कहलाए। ना देखे सो चैन से बैठे देखे सो पछताए। ऐसा है कुछ आज नजारा दुनिया का। बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। को देख रहा है इसको पता जब चलता है। कोई ना इसको देख रहा है इसको पता जब चलता है। भाई मेरे तब जग वालों का असली रूप निकलता है। पल में बदल जाता है नक्शा दुनिया का। बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। नजर क्या खेल